अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ब्लैक बॉडी जो है वो हमारे पास एक आइडियल बॉडी है, जो कि हम उसको कहते हैं कि विच कैन एब्सॉर्ब ऑल द रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट। जो भी रेडिएशंस हमारे पास किसी अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे पास हिट हो रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं, तो ब्लैक बॉडी वो है जो उन्हीं सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। और हमारे पास रिवर्स सिचुएशन ये है कि अगर हम उस ब्लैक बॉडी को हीट अप करें, उसको हम टेम्परेचर उसका बढ़ा दें, तो वो हमारे पास जो है वो रेडिएशन को एमिट करेगी, ठीक है। लेकिन ये तो हर बॉडी करती है, अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो रेडिएशन एमिट करती है। लेकिन ब्लैक बॉडी और बाकी चीज़ों में डिफरेंस ये है कि ब्लैक बॉडी हमारे पास जो है वो एब्सॉर्ब भी हर लाइट रे को, उसकी फ्रीक्वेंसी चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, उसको एब्सॉर्ब कर लेती है और एमिट भी ऐसे ही करती है रेडिएशन को। वो जो है वो हर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एमिट करती है, तभी हम उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। और एक हमारे पास फैक्ट ये है कि हमें कहा जाता है कि डू नॉट वियर ब्लैक क्लॉथ्स इन दी जो है वो वार्म वेदर, क्योंकि वो तुम्हारे सारे जो रेडिएशन है सराउंडिंग के जो उस पर हिट कर रहे हैं वो उनको एब्जॉर्ब करेगी, और जाहिर सी बात है उनको एब्जॉर्ब करेगी तो उनका टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, तभी जो तुम्हारे बॉडी को जो टच कर रहा है, जो तुम्हारी स्किन को टच कर रहा है ब्लैक कलर, तो वो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है वो तुम्हारे जिस्म को हीट दे रहा है ज़्यादा। तो इसीलिए कहते हैं कि गर्मियों की मौसम में जो है वो ब्लैक कपड़े ना पहने। अच्छा, तो हम अपनी टॉपिक पे आते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो कलर्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वाइट हो चाहे ब्लू हो, तो वो कलर्स बेसिकली क्या होते हैं? वो कलर्स होते हैं द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय देम। जो ऑब्जेक्ट जिस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसको वो वही कलर हमें नज़र आता है। फ़र्ज करो कि एक ब्लू कलर है, अब उसके ऊपर आप लाइट को हिट करो तो वो बाकी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा लेकिन ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और वो ब्लू लाइट जो है वो एग्जिट करेगा। और हमारे पास ऐसे ही वाइट कलर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अगर हम उन पर लाइट हिट करें तो वो सारी लाइट जो है वो वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए वो हमें वाइट नज़र आते हैं, क्योंकि वाइट लाइट इज़ द मिक्सचर ऑफ ऑल कलर्स। अच्छा, हमारे पास ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी है जो कि हमारे पास एग्जिट भी करती है रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी एंड एब्जॉर्ब भी करती है रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है और जिसमें इन्होंने लिखा है कि प्लेटिनम वायर को जब हम हीट करते हैं 500 डिग्री सेल्सियस पे तो उसका जो कलर है वो चेरी रेड हो जाता है, एंड एट 900 सेल्सियस एंड सो ऑन, तो उसका कलर चेंज होता रहता है व्हेन वी चेंज द टेम्परेचर। पर ये हमारा जो है वो टॉपिक का मतलब नहीं है, नहीं आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि किसी मेटल को हम इस टेम्परेचर पे अगर हीट कर रहे हैं तो उसका कलर क्या होगा। दिस विल नेवर कम अप इनटू योर एग्जाम्स। बट आपको समझने की क्या बात है कि ब्लैक बॉडी क्या है? इट्स अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट एंड इमिट्स ऑल द रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज एट डिफरेंट इंटेंसिटीज व्हेन हीटेड अप। अच्छा, हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एक ऐसे समझें कि दिस वॉज द रेवोल्यूशन इन बिटवीन द क्लासिकल एंड द मॉडर्न फिजिक्स। अब उसको हम समझते हैं कि हाउ दिस वॉज द रेवोल्यूशन बिटवीन द क्लासिकल एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो हमारे पास जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं उनके लिए हम स्टडी करते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स को। अब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम मैं आपको दिखाते चलूँ कि दिस इज़ द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। फर्स्ट करो कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट किया गया, इन दो साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि वेवलेंथ को इन्होंने प्लॉट किया अगेंस्ट द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशंस। इन्होंने एक बॉडी ली, उस बॉडी को इन्होंने ली और ये बॉडी हालांकि आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं है जो हमारे पास ऑल दी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे और ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशंस को एमिट करे, लेकिन ये नियर टू द ब्लैक बॉडी है हमारे पास। तो इन्होंने ये ऑब्जेक्ट लिया और इस ऑब्जेक्ट को इन्होंने हीट किया। अब हीट करने के बाद हमारे पास इनसे रेडिएशंस निकलना शुरू हुए। अब उन रेडिएशंस पे
उन रेडिएशंस की जो वेवलेंथ्स थी, जाहिर सी बात है, एक रेडिएशन आपकी एक क्वांटा है, और क्वांटा के पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी होगी, एक तो वेवलेंथ होगी। तो इन्होंने डिफरेंट वेवलेंथ्स जो हैं वो प्लॉट किए अगेंस्ट द इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड लाइट। तो इन्होंने ये कर्व्स कुछ ऑब्जर्व किए। अब फ़र्ज़ करते हैं कि इन्होंने 1000 केल्विन पे इन्होंने सेम बॉडी को हीट किया, तो इनको ये डायग्राम मिला। ये आप देखें, यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे 5 to 6 से थोड़ा ऊपर ये नीचे राइट साइड पे जा रहा है। तो इनको कुछ ऑब्जर्वेशंस मिली, और वो ऑब्जर्वेशंस हम देखते हैं कि वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी और किस वजह से जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स हैं उन्होंने हमें ट्रांजिशन बताई फ्राम दी क्लासिकल फिजिक्स टू द मॉडर्न फिजिक्स एंड फ्राम द ओल्ड थ्योरी ऑफ लाइट टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हमारे पास जो इनका इनकी फैक्ट है वो ये है कि एट अ गिवन टेम्परेचर द एनर्जी इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेडिएशन स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी। अब चलो हम इसको समझते हैं कि अगर हम फ़र्ज़ करो कि 1000 केल्विन का टेम्परेचर है, तो एक 1000 केल्विन टेम्परेचर पे हमारे पास जो रेडिएशंस निकलते हैं, जो स्पेक्ट्रम निकलता है रेडिएशन का, वो यूनिफॉर्म नहीं है। वो यूनिफॉर्म नहीं है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि फ़र्ज़ करो कि एक हमारे पास रेडिएशन एक क्वांटा है जिसकी हमारे पास वेवलेंथ फ़र्ज़ करो कि 2 नैनोमीटर से, ठीक है, और हमारे पास एक दूसरा क्वांटा है जिसकी जो है वो वेवलेंथ है 3 नैनोमीटर, एंड एक की 4 है, एक की 5 है। तो हमारे पास जो है क्वांटा हैं उनकी वेवलेंथ डिफरेंट है, ठीक है, किसी की 2 जो है वो नैनोमीटर से, किसी की 3 नैनोमीटर से, किसी की 4 नैनोमीटर जो है वो वेवलेंथ है। और दूसरी फैक्ट हमारे पास जो अब तो यही इसका पहले का मकसद पहली पॉइंट का मकसद यही है कि अगर हम एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसकी जो रेडिएशंस उससे निकलते हैं वो एक वेवलेंथ के नहीं निकलते, मुख्तलफ वेवलेंथ्स के निकलते हैं। एक वेवलेंथ के रेडिएशंस नहीं निकलते, मुख्तलफ वेवलेंथ के रेडिएशंस निकलते हैं। अब आते हैं हम दूसरी पॉइंट पे। तो दूसरी पॉइंट लिखी है कि एट अ गिवन टेम्परेचर टी द एमिटेड एनर्जी हैज़ मैक्सिमम वैल्यू फॉर अ सर्टेन वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा मैक्सिमम कहते हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा मैक्सिमम एंड द टाइम टी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये उनका जो है वो पास्टुलेट था। हमारे पास जो लुमर एंड प्रिंस मीन्स पेंक्सहीम्स एक्सपेरिमेंट्स थे, उनका ये कहना था कि अगर हम लेमडा मैक्सिमम को मल्टीप्लाई करें टेम्परेचर से तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगी वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगी। अब लेमडा मैक्सिमम को समझने की कोशिश करें कि लेमडा मैक्सिमम क्या है। अब लेमडा मैक्सिमम एक वेवलेंथ का वो वैल्यू है जिस वैल्यू पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। अब यहाँ पे आप देखें कि 1000 केल्विन पे हमारे पास जो ये थ्री नंबर को आप देखें, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस से ये हमारे पास जो है वो हाईएस्ट वाई एक्सिस को टच कर रही है। ये देखें आप, जो हमारे पास 3 की जो पॉइंट है एक 1000 केल्विन वाली, और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, फ़र्ज़ करो कि हम 1260 केल्विन कर देते हैं, तो ये जो वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही थी, अब मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही थी, अब वो वेवलेंथ जिस वेवलेंथ पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिले, मैक्सिमम एनर्जी मिले, हम उसको लैम्डा मैक्सिमम कहते हैं, ठीक है। और अगर हम उस लैम्डा मैक्सिमम को किसी भी गिवन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमेशा क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा। अब द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट को हम क्या कहते हैं, वीन्स कॉन्स्टेंट, और वो वैल्यू है 2.9 × 10⁻³ मीटर × केल्विन। दिस इक्वेशन मींस दैट एट एज द टी इंक्रीजेस लैम्डा मैक्सिमम शिफ्ट्स टू शॉर्टर वेवलेंथ। अब ये समझें कि शॉर्टर वेवलेंथ को क्यों शिफ्ट कर रही है, क्योंकि अगर आप टी का वैल्यू बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको लैम्डा मैक्सिमम का वैल्यू जो है वो कम करना पड़ेगा, तभी तो हमें मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट मिलेगी। अगर हम लैम्डा मैक्सिमम को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर को हमें कम पर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो इनकी प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट चाहिए। अब फर्ज़ करें आप 1000 पे एक वेवलेंथ है जो है वो 3 है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट मिलता है, फ़र्ज़ करो हमें जो भी मिलेगा
वो मिलेगा 2.9 × 10⁻³। तो यहाँ पे टेम्परेचर को हमने शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स दी अपर लिमिट 1260 कर दिया। तो जाहिर सी बात है हमें प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना है क्योंकि दिस इज द लॉ, तो हमें वेवलेंथ को शिफ्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। तो यहाँ पे आप देखें ये वेवलेंथ टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ आ गई जो कि नियर टू हो गई। अब ये एक दूसरी फैक्ट को क्लासीफाई कर रही है कि हमारे पास अगर जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेमडा मैक्सिमम, मतलब कि वो वेवलेंथ जिस पे हमें मैक्सिमम रेडिएशंस मिल रहे हैं वो वेवलेंथ शॉर्टर हो जाएगी। शॉर्टर क्यों हो जाएगी? क्योंकि उस रेडिएशंस की एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमें जो मैक्सिमम रेडिएशंस मिलेंगे वो मैक्सिमम रेडिएशंस की एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। अगर हम टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ाएं, फ़र्ज़ करो कि 1450 केल्विन कर दें, तो हमारे पास जो एनर्जी मिलेगी, जो रेडिएशंस मिलेंगे वो ज़्यादा एनर्जी वाले जो है वो ज़्यादा रेडिएशंस मिलेंगे। अब ज़्यादा एनर्जी वाले रेडिएशंस मिलेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी फ्रीक्वेंसी जो हो सॉरी जो वेवलेंथ उनकी होगी वो वेवलेंथ उनकी कम होगी। तो हमारे पास जो लेमडा मैक्सिमम, मतलब कि वो वेवलेंथ जिस पे हमें मैक्सिमम रेडिएशंस मिल रहे हैं वो शॉर्टर होगी। तो इसी को हम कहते हैं वीन्स लॉ एंड वीन्स कांस्टेंट, और हमारे पास इनकी प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और ये थे हमारे जो है वो सेकंड पॉइंट ऑफ दी ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। अब थर्ड पॉइंट ये है कि फॉर ऑल वेवलेंथ्स एन इंक्रीज इन टेम्परेचर काजेस एन इंक्रीज इन एनर्जी एमिशन। अगर हम किसी भी तरह पे हर वेवलेंथ के लिए अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उनकी एनर्जी एमिशन बढ़ जाएगी। फ़र्ज़ करते हैं आप यहाँ पे आए, इस डायग्राम को देखें कि हम पॉइंट कंसिडर करते हैं टू जो है वो हम अपना आइडियल कंसिडर करते हैं। अब टू की पॉइंट है, अब वाई एक्सिस पे हमारी इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी मतलब एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ यू कुड से रेडिएशंस और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। तो टू पॉइंट पे 1000 केल्विन पे हमें फ़र्ज़ करो कि ये पॉइंट एक मिल रही है टू। और अगर यहाँ पे हम लेबल करें इसको वाई एक्सिस को कि हम फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे जो अभी हम पॉइंट में दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं आप वन है और यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं आप टू है और यहाँ पे थ्री है। अगर जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारे पास इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो अगर हम टू की बात करें तो यहाँ पे टू पे बिकॉज द टेम्परेचर इज़ 1000 केल्विन तो हमारे पास जो इंटेंसिटी मिल रही है वो मिल रही है, फ़र्ज़ करें कि एक आइडियल यहाँ पे वन मिल रही है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो सेम टू पे हमें जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी क्या मिल रही है, टू वन पहली वाली एनर्जी से ज़्यादा मिल रही है। यहाँ पे देखें आप हम ऊपर आ गए वाई एक्सिस में। अगर हम और ऊपर जाएँ 1450 केल्विन पे जाएँ तो हम टू पे, मतलब वेवलेंथ हमारी सेम है लेकिन वेवलेंथ में एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। लेमडा मैक्सिमम एक अलग पॉइंट है, ठीक है, लेकिन हर वेवलेंथ जो हमारे पास मिल रही है उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अब हमारे पास 1450 केल्विन पे जो हमारे पास वेवलेंथ जो हमारे पास रेडिएशंस आ रहे हैं और जिनकी वेवलेंथ 2 नैनोमीटर है उनकी इंटेंसिटी आप देखें यहाँ पे बढ़ गई इन थर्ड केस। तो ये ही है थर्ड पॉइंट का मकसद कि अगर आप जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो एनर्जी की एमिशन जो हो रही है वो चाहे किसी भी वेवलेंथ पे हो वो इंक्रीज होगी। लेमडा मैक्सिमम की जाहिर सी बात है इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी लेकिन अलग सी जो वेवलेंथ है उनकी वेवलेंथ इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। अच्छा, ये दूसरी पॉइंट लिखी है यहाँ पे कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेमडा मैक्सिमम का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगा। अब लेमडा मैक्सिमम का वैल्यू डिक्रीज क्यों हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से, आप ये देखें कि यहाँ पे लेमडा मैक्सिमम का वैल्यू था फर्स्ट केस में 3 नैनोमीटर कंसिडर करते हैं, सेकंड केस में हम कंसिडर करते हैं 2 के नियर है लेकिन 2, और थर्ड केस में कंसिडर करते हैं 1.5। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे जो हमें रेडिएशंस मैक्सिमम रेडिएशंस मिलेंगे वो रेडिएशंस उन रेडिएशंस की एनर्जी ज़्यादा होगी। उन रेडिएशंस की जो एनर्जी ज़्यादा होगी या अदर वर्ड्स आप कह दें कि उन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अब हमें ज़्यादातर जो रेडिएशंस मिल रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है,
अब उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उनकी वेवलेंथ कम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी हम ज़्यादा कर देंगे तो वेवलेंथ कम होगी, जाहिर सी बात है। तो हमें जो लेमडा मैक्सिमम का वैल्यू है वो डिक्रीज होते मिलेगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे। तो यही इन्होंने समझाया है कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो लेमडा मैक्सिमम का वैल्यू जो है वो हमारे पास डिक्रीज होते जाएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा रेडिएशंस वही मिलेंगे जिनकी एनर्जी ज़्यादा हो, क्योंकि हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। लेमडा मैक्सिमम क्या है? एक पॉइंट है जिस पॉइंट में हमें ज़्यादा जो है वो एनर्जी मिल रही है, ज़्यादा जो है वो इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी मिल रही है। अब वो इंटेंसिटी अगर टेम्परेचर कम होगा तो वो रेडिएशन हमें ज़्यादा मिलेंगे जिनकी एनर्जी कम होगी। अगर हम जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो उन रेडिएशन्स की एनर्जी हमें ज़्यादा मिलेगी जिनकी वेवलेंथ कम है, मतलब उनकी एनर्जी ज़्यादा है। अब ये हो गई हमारी थर्ड पॉइंट। अब हमारे पास आती है फोर्थ पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट ये है कि द एरिया अंडर ईच कर्व रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर ओवर ऑल वेवलेंथ्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इट इज़ फाउंड दैट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ केल्विन टेम्परेचर टी। Thus, energy is directly proportional to the fourth power of temperature, or E is equal to delta times the T power 4. अब ये एक लॉ है हमारे पास जिसको हम कहते हैं स्टीफन्स लॉ और बोल्ट्जमैन, सॉरी स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। और हमारे पास जो डेल्टा है हम उसको कहते हैं कि जो है वो स्टीफन्स कांस्टेंट। अब उसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है 5.67 × 10⁻⁸, और उसका यूनिट भी हमारे पास दिया हुआ है। अब हम उसकी यूनिट की डेरिवेशन पे नहीं जाते। अगर आपको उसकी यूनिट की डेरिवेशन सीखनी है तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो जो है वो बना देंगे। तो हमारे पास अब इस पॉइंट को समझें कि एनर्जी क्या है, और एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर और ऑल वेवलेंथ्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। अब इसको समझने की इस डायग्राम से कोशिश करते हैं। अब फर्ज करो कि हमारे पास टेम्परेचर है 1000 केल्विन, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो हमारे पास कर्व बन रहा है, यहाँ पे 1 से लेके ये हमारे पास जो कर्व बन रहा है ये यहाँ पे आके बन रहा है। अब इसके कर्व के अंडर जो हमारे पास एरिया है अगर हम इसको शेड करते तो वो एरिया हमारे पास एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये एरिया जो हमारे पास कर्व की है ये एरिया हमारे पास एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। और सेकंड केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, फर्ज करो कि हम 1260 केल्विन कर देते हैं, तो ये देखिए हमारे पास एरिया बढ़ गई। ये हमारे पास जो सेकंड लाइन है इस लाइन के यहाँ पे अगर आप आ जाएं, ये यहाँ पे ख़त्म हो गई, और तो ये पूरी जो हमारे पास एरिया है ये एरिया हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करती है? टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकंड, टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर मीटर, ठीक है, सॉरी पर मीटर नहीं, मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास एरिया है, एरिया तो होगी तो मीटर स्क्वायर होगा। अब ये इनकी जो है वो फोर्थ पॉइंट है। अब यहाँ पे हम टेम्परेचर अगर फ़र्ज़ करो कि इस टेम्परेचर को बढ़ा के हम 1650 केल्विन पे ले जाते हैं, तो ये देखिए आप इसकी एरिया कितनी बढ़ गई, यहाँ से लेके आप जो है वो यहाँ पे हम वापस आ गए। अब ये जो पूरी हमारे पास एरिया है वो एरिया किसको रिप्रेजेंट करती है? एनर्जी को, एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जो हमारे पास एनर्जी एग्जिट हो रही है ये पूरी एरिया उस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये था हमारे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या हैं और इनके पास्टुलेट्स और जो अजम्पशंस हैं वो क्या हैं। ब्लैक बॉडी वो है जो हमारे पास ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे एंड ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशंस को जो है वो एमिट करे जब हम उसको हीट करें। और पहला इनका पास्टुलेट ये है कि द टेम्परेचर एट अ गिवन टेम्परेचर द एनर्जी इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेडिएशन स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी। अगर हम कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर लें, फर्ज करें 1000, तो एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। एक कुछ एनर्जी हमें 2 वेवलेंथ्स पे मिल रही है, कुछ 3 पे और कुछ 4 पे। और हमारे पास जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे द एनर्जी एमिटेड हैज़ मैक्सिमम वैल्यू फॉर अ सर्टेन वेवलेंथ, जो मैक्सिमम एनर्जी हमारे पास मिल रही है वो पार्टिकुलर एक सर्टेन वेवलेंथ पे मिल रही है फॉर अ गिवन टेम्परेचर, और उस वेवलेंथ को हम लेमडा मैक्सिमम कहते हैं। और लेमडा मैक्सिमम की प्रोडक्ट और टेम्परेचर की प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम वीन्स कांस्टेंट कहते हैं। इसका वैल्यू आपका यहाँ दिया हुआ है। और हमारे पास जो
अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएं तो लेमडा मैक्सिमम शिफ्ट टुवार्ड्स जो है सो लेफ्ट, मतलब शार्टर वेवलेंथ की तरफ चलती जाएगी। और जो थर्ड पॉइंट है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कोई भी वेवलेंथ हो, किसी वो चाहे लेमडा मैक्सिमम हो चाहे लेमडा मैक्सिमम से बाकी वेवलेंथ्स हो, हर जगह पे जो है वो इंटेंसिटी या एनर्जी इमिटेड जो है वो बढ़ जाएगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी इंक्रीज। हमारे पास एनर्जी जो एग्जिट हो रही है यहाँ पे, वो एनर्जी हमारे पास इक्वल है द एरिया अंडर जो है सो कर्व, और एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, एंड इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर टू डबल द एनर्जी वुड बी इंक्रीज 16 टाइम्स। ओके, एंड दिस वॉज द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो आपको समझ में नहीं आया वो आप कमेंट्स में कह दें। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो प्लैंक्स थ्योरी होगी, और क्वांटम थ्योरी ऑफ द प्लैंक्स थ्योरी ऑफ क्वांटा और अजम्पशंस ऑफ प्लैंक्स अजम्पशंस।